8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुए भयावह हेलीकॉप्टर हादसे में अकेले जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। वरुण सिंह का इलाज बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में चल रहा था, जहां वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के इतिहास के सबसे भीषण हादसों में से एक इस घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही इसमें बच पाए थे, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। पूरे देश में उनके जीवन के लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी, सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरुण सिंह के पिता कर्नल केपी सिंह से बात की थी। बीते गुरुवार को उन्हें वेलिंगटन के सेना अस्पताल से बेंगलुरु में वायुसेना कमांड अस्पताल में लाया गया था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असाधारण साहस के प्रदर्शन के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।